अच्छे होंगे और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और आगे मैं और भी अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, फिर मॉर्निंग हो चुकी है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। अनेक भी जग गया है और इसकी ऑनलाइन क्लास होगी, इसको अभी नहला देते हैं, ये ऑनलाइन क्लास करेगा। वैसे तो ऑनलाइन क्लास में बच्चों की आईज पर बहुत असर पड़ रहा है और एक्चुअली जब मैं इसके साथ बैठती हूँ तो मेरी आंखों में भी दर्द होने लगता है ना? हाँ। तो वही, अब पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे और कब ये बच्चे स्कूल जाएंगे। चलिए फिर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं और आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और इफ यू लाइक माई दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड नो फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ बॉइल्ड आलू की सब्जी, जो आई थिंक हर किसी की फेवरेट होती है और झटपट बन जाती है। ये सब्जी नाश्ते में पूरी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। जब कभी भी घर में ग्रीन वेजिटेबल नहीं होते हैं तो ये सब्जी एक अच्छा ऑप्शन है बनाने के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से ये सब्जी बना लेते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली, टमेटोज एंड हरा धनिया ये सब कट करके रख लिया है और यहाँ पर बॉइल्ड आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें क्यूमिन सीड्स डालेंगे, देन कट किए हुए गार्लिक और अनियन एंड देन ग्रीन चिली डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसमें टमेटोज ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, बिकॉज सॉल्ट ऐड करने से टमेटोज जल्दी गल जाते हैं। और उसके बाद हम सभी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस में टर्मरिक, गरम मसाला और सॉल्ट और ग्रीन चिली हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो बस वही सभी को अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद एक दो मिनट के बाद हम बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर देंगे। पोटैटोज को सभी मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक दो मिनट तक पका लेंगे और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये बॉइल्ड आलू की सब्जी तैयार है। तो चलिए फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद अनेव की क्लास कराते हैं। एडी कहाँ जा रहे हो? ड्रेस नहीं निकालोगे अब? हम तो यहाँ पर अनैव की ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और अनैव एज यूजुअल मस्ती के मूड में है। तो कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसने अपनी साइकिल और बैग ले लिया है और कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये व्हाइट ड्रेस को ब्लैक बना लेगा तभी ये निकालेगा। बिना शूज पहन के जा रहे हो? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनैव स्कूल का होमवर्क फिनिश कर रहा है और उसको एक फिश बनाने के लिए दी गई है और उसमें कलर करने को बोला गया है, तो वही अनैव कर रहा है और ये तो उसका फेवरेट काम है, उसे ड्राइंग बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले अनैव की ऑनलाइन क्लास में, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में, टीचर ने उसको बताया था कि नीम की दातून यूज़ करनी चाहिए और नीम की दातून से दांत साफ करने चाहिए। तो उसने अपनी दादी से काफ़ी ज़िद की कि मेरे लिए भी नीम की दातून लेके आओ। तो वही दादी लेकर आई हैं और बता रही हैं कि कैसे दातून बनाई जाती है और कैसे की जाती है। किससे बना रहे हैं ये? लकड़ी से। किसकी लकड़ी? नीम। नीम। तो यहाँ पर मम्मी नीम की दातून तैयार कर रही हैं। चबाओ। यहाँ ऐसे चबाओ। दिखाओ। हाँ, मुझे कल भी नहीं लग रहे। तो इधर तो दिखाओ। अच्छा लग रहा है टेस्ट नीम दातून का? हाँ।
तो इससे ही किया करो फिर एक टाइम ब्रश, उसके बाद इसको जमाओ। यम्मी है ना? हाँ। क्या हुआ? अब करते ब्रश करो, पहले मुलायम करो, पहले सॉफ्ट करते हैं बहुत, मुलायम करो, बाइट करते ही रहो, करते ही रहो, कैसे बाइट करते ही रहो। इनको नहीं लग रहा था अभी उतना, है ना? फिर आप इसको सॉफ्ट करते हैं। हाँ हो गया, अब देखो ऐसा करो। ऐसे इधर दिखाओ, ऐसे ऐसे रगड़ो दांत ऐसे से। ये ब्रश बन गया है एडी का। अब एडी वन टाइम से भी गैग स्ट्रांग हो जाएगी। एडी के भी स्ट्रांग हो जाएंगे। सही लग रहा है? हाँ, गैग तो भी आप भी रोज करना। मुँह खोल के इधर तो दिखाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे फाड़ते हैं। कौन? ऐसे। ऐसे फाड़ के क्या करते हैं बताओ? ऐसे फाड़ के इसका वो करते हैं। कहाँ? फ्रेंड्स, हम लोग मम्मी पापा के एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं और मम्मी पापा बता रहे थे कि वे उनसे 35 इयर्स के बाद मिल रहे हैं। यहाँ है। कुछ नहीं बताओ। क्या है? पार्किंग है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं एक अंकल आंटी से मिलने के लिए। उससे फिर जाने के लिए हम लोग स्वीट ले लेते हैं। तो हमारी सोसाइटी के बाहर ही सारी शॉप्स हैं, तो चलिए वहाँ से स्वीट ले लेते हैं और फिर निकलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं जी? अब हम स्वीट लेने के लिए। तो इसके बाद कहाँ जाएंगे? हम उसके बाद जाएंगे किसी के घर जहाँ मैं चूहा बुआ बोल रहा था। तो मैं वो टच नहीं करो। फ्रेंड्स, अब हम अंकल आंटी के घर में आ चुके हैं और यहाँ पर अनैप ने बहुत मस्ती की, बच्चों के साथ बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया। अब शाम को ही वापसी होगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय फ्रेंड्स।